प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की माँ उपदेश दे रही हैं, तुम में जितनी शक्ति है करते जाओ, उनकी कृपा तो है ही, शक्ति के अनुसार नहर बनाओ, उसी नहर के द्वारा उनकी कृपा तुम्हारे पास आ जाएगी। चिंता किस बात की, तुम लोगों का काम है भरसक प्रयत्न करते हुए पूरा करते रहो। एक उनके अलावा और कुछ नहीं है, तुम लोगों में जितनी शक्ति है प्रयत्न करते रहो, वे तो हैं ही, जो कुछ करना है वे करेंगे। प्रश्न, माँ मेरी इच्छा है मैं आपको गुरु बनाऊं, पर आप दीक्षा नहीं देंगी, इसलिए माँ आप अनुमति दें तो मैं किसी महात्मा से दीक्षा ले लूं। माँ, देखो किसी को गुरु बनाने से पहले खूब विचार करना चाहिए, क्योंकि एक बार किसी को गुरु बना लेने के बाद उनके ऊपर अविश्वास उत्पन्न हो जाए तो बड़ा अपराध होता है। प्रश्न, माँ देवी के ऊपर मुझे विशेष आकर्षण है, अब अगर मेरे मन में कृष्ण मंत्र की भावना रहे तो क्या करना चाहिए? फिर कृष्ण मंत्र का जप करते करते अगर देवी आ जाए तो क्या मुझे देवी मंत्र का जप करना चाहिए? माँ, देखो बात यह है कि तुम करो अपना गुरु मंत्र, बाद में चाहे जो मूर्ति आए। कहा जाता है कात्यायनी ने पूजा करके कृष्ण को प्राप्त किया, इसलिए कृष्ण नाम जप करते करते अगर देवी आए या देवी नाम करते करते कृष्ण आए तो भी तुम अपना इष्ट मंत्र लेकर रहना। उस समय तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि इष्ट का ही यह सब है, यह भी देखो कि वे एक ही हैं। तुम अपने मंत्र पर जोर देकर बैठी यह सब देखती रहोगी। इसलिए कहती हूं कि अगर तुम में दो भाव हों तो भली भांति विचार करके देखो कि इनमें प्रबल भाव किसके प्रति है। निश्चित रूप से एक प्रबल होगा। बात क्या है जानती हो, मानव में एक संस्कार रहता है, वह तुम में जड़ पकड़कर बैठा है। इसके अलावा अन्य संस्कार हैं बाहरी लोगों को देखकर या सुनकर उनकी तरह पूजा करने की इच्छा होती है, यह उस तरह तुम में जड़ जमाए नहीं है। जरा गौर करो तो सब समझ जाओगी। उसी एक अखंड को समझने का प्रयत्न करो, आकार निराकार की कोई बात नहीं है, उसे लक्ष्य बनाकर चलो। समय गुजरता जा रहा है, अच्छा लगे या ना लगे पर प्रयत्न करते रहो। उपदेश, स्वरूप में जाने का अर्थ क्या है? जो है वही, अंश कहो कण कहो, सर्वमय सर्वभाव, सर्व रूप में प्रभु दास कहो, सर्व अरूप कहो, आत्मस्थ कहो, जो कहो, वह तो स्वयं प्रकाश है। वहां भाषा वाणी नहीं चलती, निबद्ध आबद्ध का जहां कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता वहां की बात है। अनंत में एक, एक में ही अनंत है। पूर्ण बताने पर तुम लोग अपनी निगाहों से जो समझ लेते हो वह लेकिन आखिरी बात नहीं है। कलकत्ता के एक ब्रह्मचारी माँ के निकट बैठे थे, वे वाक संयम किए हुए थे, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वे कुछ लिख रहे थे। यह देखकर एक भक्त ने पूछा, माँ ऐसी हालत में इसकी उपयोगिता क्या है? बातें नहीं कर रहे पर लिख और इशारा करते जा रहे हैं, मन आखिर कैसे शांत होगा? मां, इससे भी उपकार होता है। सिर्फ वाक संयम करने पर भी धीरे धीरे शांत भाव का प्रकाश होता है। हां, विशेष आवश्यकता ना होने पर इशारा करना या कुछ लिखना ठीक नहीं होता। एक और बात है, इस तरह संयम करते रहने पर झूठ बोलना, कड़वी बात कहना, बेकार का बकवाद करना आदि बंद रहता है। अधिक बातें करने से शक्ति क्षय होती है। वाक संयम से अंतर में एक शक्ति उत्पन्न होती है, लेकिन अंतर में यथाशक्ति ध्यान जप करते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न, अच्छा झूठ फरेब वाली बातें हमसे कौन कहलवाता है? वे ही तो बुलवाते हैं। मां,
यह जो वाक संयम है ये भी तो वे ही करवा रहे हैं। उपदेश। दुर्लभ मनुष्य जन्म लेकर सत्य का अनुसंधान करते रहना ही मानव का एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। सत्य, त्याग, ब्रह्मचर्य एवं संयम आदि की सहायता से गुरु द्वारा प्रदत्त आश्रय में रहना ही अपना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्यों जानती हो? मान लो तुम सब देहरादून आ रही हो, रेलगाड़ी पर आते समय देखा कि एक पहाड़ बीच में आ गया है। उस वक्त सोच रही हो कि देहरादून अभी न जाने कितनी दूर है, लेकिन जो ही उस पहाड़ को पार कर लेती हो त्यों ही देहरादून दिखाई देने लगता है। इसी तरह उनकी कृपा होती है, वे कब आकर तुम्हारे अंधकार को दूर कर देंगे इसे तुम समझ नहीं सकते। जब जो होना होता है वह तब हो जाता है, फिर भी भरसक जहां तक हो सके शुद्ध भाव को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त कर बेकार समय मत गवाओ। तुम में जितनी शक्ति है उतनी ही कृपा अनुभव करोगे। जिस तरह हो सके जितना हो सके समय देना ही चाहिए। सिर्फ आत्मचिंता में मन को लगाने की चेष्टा करो। निर्धनी बनने का प्रयत्न मत करो। स्वधन की आकांक्षा सदा करनी चाहिए। समय बहुत कम है, चेष्टा चेष्टा। हर वक्त यही याद रखो कि उनको पाना ही एकमात्र लक्ष्य है। वही एकमात्र भगवान, एकमात्र वही संपूर्ण वातावरण में व्याप्त है। एक वही बैठा है, नित्य ही है। हर क्षण उसकी नित्य लीला वर्तमान है। कृपा वे सर्वदा कर रहे हैं। समझने का अधिकारी बनने के लिए उनकी ओर लक्ष्य कर बैठे रहना चाहिए। जरा अधिक समय सब कोई दो। कौन किसका है? हम लोग तो धर्मशाला में हैं। समय हो जाने पर कोई किसी के लिए बैठा नहीं रहेगा। उनकी ओर लक्ष्य रखो। विदेश में रहकर कितने दिनों तक तकलीफ बर्दाश्त करोगे? अपना घर खोजो। वे दयामय कृपामय अपनी ओर सदैव आकर्षित कर रहे हैं। यह मानव जन्म कुछ वर्षों के लिए प्राप्त हुआ है, सिर्फ उन्हीं की चिंता के लिए। शांत भाव से उन्हीं ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो। साथी के रूप में एक वही है। नहीं हो सकता कहने से काम नहीं चलेगा। समय गुजरता जा रहा है। यह सब मेल मिलाप चंद दिनों के लिए है। कब किसका समय आ जाए एक पल का विश्वास नहीं। अपनी गठरी संभालो भाई, साथ नहीं है कोई। प्रेम से बोलिए, शिष्य आनंदमयी मात की जय।